वारदात नहीं खा सकते। ब्यूटी पार्लर ते सलून वैसे साडे इत्थे ज्यादा देर ती आ खुलन दी, लेकिन पर अहीं फिर भी प्रिकॉशन रखने अहीं नहीं जा रहे। वेलकम बैक टू दी चैनल, होप यू डूइंग वेल। गाइस आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्यों? क्योंकि आज के दिन 21 मई को हमारी एंगेजमेंट हुई थी, इसलिए मम्मी आज पला साहब को पूरी अच्छी तरह से निखार रहे हैं। पला साहब दर्द हो रही है, है उठ गया मुछा? क्यों पला साहब इधर ही सासू माँ लभनी है तू, मुछा भी काट दी थी वो दू। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी टिकटॉक वाली वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जो आप सबने देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाके देखो, आई का बटन है ऊपर। गाइस आज का प्लान कुछ सानू पता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, तुम्हें पता है ना, कुछ कर नहीं सकते। लास्ट टाइम अं बारबेक्यू नेशन गए ही, उसे बड़ा मजा आया, अं यही सोचा ही कि यार का फिर उ जावे, लेकिन बार दा नहीं खा सकते। oh, no. बोल चल दे रहे मम्मी ने पक्का तेज, मम्मी नू को बदले ले आंदी। तो कुछ प्लान तो है नहीं, तो आपको रेडियो के मिलते हैं, शायद कुछ बन जाए। तो गाइस रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी हम चले हैं सामान लेने, क्योंकि रात के लिए मेरे कुछ प्लान किया मैंने और पल्ला साहब ने रात में मिलके कुछ प्लान किया कि हम कुछ दासुदार करेंगे, वो आपको वीडियो में पता चलेगा, इसलिए हम पहले चले हैं ग्रोसरी स्टोर। तो गाइस ग्रोसरी स्टोर जाने से पहले अपनी प्रिकॉशन जरूर ले, मैंने मास्क ले लिया, गाड़ी में मास्क इसलिए नहीं डालता हूँ, कहते हैं लंग्स में इफेक्ट पड़ता है, इसलिए गाड़ी में मास्क नहीं डाला और पल्ला साहब को पीछे बिठाया, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं हम पूरी, इसका जरूर ध्यान रखना है बाहर जाने से पहले। अभी क्या कर सकते हैं, इस वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, उसके लिए प्रिकॉशन जरूरी है, ये प्रिकॉशन रखेंगे तो बचेंगे, लंबा जिएंगे, ते सजयुग आएगा तो वो देखने जोग बनेंगे, इसलिए अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और तो बस आपको मिलते हैं स्टोर पर जाके। वैसे बेस्ट प्राइस में वो कहते हैं कि आप मक्की एक बंदा ही रिकमेंड करते हैं कि एक जाना ही आए, जा तो एक से जाना आए, लेकिन हमको क्या था कार्ड पर एक बंदा, एक कार्ड पर एक ही एंट्री हुई, बट हमें क्या था हमें दोनों को आना पड़ना, क्योंकि मुझे ड्राइव नहीं करनी आती और प्रिंस घर का सामान खुद तो ले नहीं सकते अकेले, चाहे लिस्ट बना के फिर भी कुछ कुछ भूल ही जाते, इसलिए मैं जा रही हूँ साथ में, बाकी देखते हैं वो अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते, तो रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमें जाने दो, नहीं सकता हमारा, बाकी लेट्स सी जाके वहाँ पता लगता है। और गाइस मैजिक हमने आज इसलिए किया है क्योंकि आज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी, थर्ड। जिदा कि मैनू पता सी लाइन लगी होनी है, वेख्या भला साहब कितनी तगड़ी लाइन लाई है इन्होंने, बाहर प्राइस बेस्ट प्राइस आओ ते अपना टाइम काट के आयो, बहुत ज्यादा लाइन लाई है इन्होंने। तो गाइस सेफ्टी मोड ऑन हो गया, प्रिकॉशंस जरूरी है, आपको बोला है ना। A few moments later. वही हुआ जो सुना था, एक कार पे सिर्फ एक की एंट्री है, गई तो बहुत डर से थी मैं, ग्लव्स डाल के सैनिटाइजर, बट क्या कर सकते हैं, जो उनके रूल्स है वो रूल्स ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा सिर्फ एक कार पे एक बंदे की एंट्री हुई, इसलिए मुझे वापस भेज दिया। प्रिंस अब गए हैं ग्रोसरी लेने, देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं, दुख ना हुआ कोई। ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਗਾਈਸ ਗਲਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗਲਵਸ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਵਸ ਇਟਸ ਮਸਟ, ਕਾਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੇਤਰਾ ਬੋਲੇ ਲਾ। ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਆ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਕੱਚੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇਜ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲੋ, 1 2 ਗਲਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਕਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, थक गए समान सैनिटाइज कर।
काम थोड़ा सा वध नहीं गया, बहुत ज्यादा वध गया। पता नहीं है कोरोना कदों जाएगा, कदों साडी जिंदगी फिर तो नॉर्मल हो। आपा वैसे तीन दिन समाता दा सैनिटाइज़ कुछ नहीं करदे नु प्यार है, पर अज रात थानू पता चाहिदा इस करके इसलिए आपा सैनिटाइज़ से धूप लगाए रखते हैं, उस तो बाद यूज करेंगे इनू। गाइस हुन असी थानू रेडी हो के मिलते हैं, नाउ वी आर रेडी गाइस फॉर डिनर। अज पला साहब इस ओकेजन च तुसीं केड़ी जगह जाना पसंद करोगे डिनर ते केड़ा फूड खाना चाहोगे? आई वांट टू आई लव टू टुडे इटालियन फूड। इटालियन फूड, इटालियन रेस्टोरेंट जाना? यस गाइस चलो चलिए, आपा पला साहब दी गल आज नहीं टाल सकदे, चलो चलिए इटालियन रेस्टोरेंट। 3 2 1 गो। तो गाइस हमारा ऑर्डर आ गया, चेक कीजिए साहब, सब कीजिए कि मैं करा, आज मैं करना गाइस अभी हम टेस्ट करेंगे क्या इस रेस्टोरेंट में क्या खासियत है। ये रेस्टोरेंट आप सबको पता है क्या है, कौन सा है? चेतना की रसोई। ये हमने अपना न्यू खोला है तो इसकी प्रमोशन करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, तो आप सब लोग जरूर आए। साहब एज ऑलवेज यू आर द शेफ, भला साहब का कोई मुकाबला नहीं गा। तो गाइस हुण सानू आडा फूड इंजॉय करन दो, फिर तुहानू मिलदे हां। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or bring when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance. तो गाइस अभी घर वापस आ गए हैं, तो यार रेस्टोरेंट में जाके ना मजा आ गया। बहुत दिन का हम रेस्टोरेंट का उधर जाके खाने को मिस कर रहे थे। तो पला साहब फूड कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग। नहीं फूड का मैं बताऊंगा, फूड तो बहुत बढ़िया था। ड्रिंक कैसी लगी आपको? जो मीतू बनाई थी ना प्रिंस शेफ ने, वो इतनी यम थी ना, मुझे शायद मैं ताज में पहुंच गई। इतनी अच्छी थी, इतनी कूल, इतनी फ्रेश कर दिया मुझे, इतनी सजावट सो गई। गाइस ऐ वीडियो बनाने दा नाले साडा मकसद ऐ सी कि तुसीं भी सारे जाने कि ऐ हुण आपां वायरस दे नाल ही जीना, इस करके आप अपने स्पेशल दिन मिस नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा सेलिब्रेट करना है, मेमोरेबल बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी आइडिया लाओ, थोड़ा बहुत आइडियाज लाए। घर फूड आप बनाया ते घर नु ही रेस्टोरेंट टाइप बनाता, इसलिए तुसी कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लगाओ, अपने डे नु मेमोरेबल बनाओ। सीवी कभी नहीं ऐसा सोचो कि लॉकडाउन असि घरों बाहर नहीं जाना यार, ये वो तुसी घर नु ही बार बनाओ यार, यही टाइम है, करके जाना उसके बिना मत जाना। और भी सब्सक्राइब भी किया अगर हमारे चैनल में, देखा है बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइब चैनल करते नहीं है। 80% बंदे वीडियो देख के नस पा जाते हैं, सिर्फ 20% बंदे ने सब्सक्राइब किया। आज ही कोई 80% वाले कर लें तो मेरे में लगता 20-30 के हो जाए। प्लीज गाइस क्या करो, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे और ब्लॉग्स लिखेंगे और जल्दी मेहनत करेंगे। यहाँ का ब्लॉग करता है यहाँ पर खत्म। आस्था लिवास्ता, बाय बाय, टेक केयर।
गाइस आप देख रहे होंगे स्क्रीन में तीन कमेंट्स 1, 2, 3 तो ये क्यों दिखा रहे हैं गाइस, अब हर बार लास्ट में ये हम तीन हाईलाइट करेंगे मेन मेन कमेंट्स जो टॉप होंगे, तो ये बहुत पसंद आए हैं। बाकी कमेंट भी बहुत अच्छे हैं लेकिन हम सब तो दिखा नहीं सकते, इसलिए मेन मेन जो बहुत बढ़िया हमें दिल को छू जाएंगे वो हम इधर दिखाएंगे और उनमें से एक का रिप्लाई करेंगे जो आज के दिन हमें पसंद है। ये पहला फर्स्ट नंबर वाला नील का, उसने हमें बोला है कि आप बिल्कुल फेक एक्टिंग नहीं करते, रियल करते हो, जो भी करते हो गाइस हम हमेशा रियल ही दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कॉपी करते हैं किसी की, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम अपना ही कंटेंट डालते हैं। थैंक्स नील फॉर दिस वंडरफुल कमेंट।